आगरा के प्राथमिक विद्यालय लड़ामदा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय साथ ही आगरा के कई स्कूलों में शनिवार को सहज योग का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूलों के 1.25 लाख से अधिक बच्चों ने सामूहिक रूप से सहज योग कर नया इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा महानिदेशालय के आग्रह सहयोग ट्रस्ट की ओर से प्रदेश भर के स्कूलों में सहज योगियों की 210 टीमें बच्चों को आत्म साक्षात्कार करा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को आगरा जनपद के अचनेरा, फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद, फतेहाबाद, खनौली आदि ब्लॉकों के राजकीय स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई तथा जीवन में आने वाली अन्य कठिनाइयों को सहज योग के जरिए दूर करने के सरल तरीके बताए गए। योगी लोकेश कुमार ने बताया कि सहज योग से जीवन को कैसे आसान और कामयाब बनाया जा सकता है। सर, बेसिक शिक्षा में और माध्यमिक में हम लोग उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से सभी विद्यालयों में जाकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम सहज योग है और ये श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 में शुरू करी। हम लोग विश्व के 128 देशों में जन सेवा में कार्यरत हैं और हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि हम मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के तनाव को दूर करके उनको कैसे उनके गुणों से निखार सकते हैं। तो जो मॉड्यूल्स हैं हमारे सहज योग के, जो विधियां हमें बताई गई हैं, उन विधियों को हम बच्चों को बताते हैं जिससे कि बच्चे अपने घर पर 5 मिनट सुबह शाम ध्यान करें। हमारा सहज योग परिवार 3 दिवसीय प्रोग्राम कर रहा है जो 17, 18, 19 से चल रहा है और यहाँ बाहर से भी सहयोगी आए हैं, कई शहरों से करीब 200 लोग हैं जो 3 दिनों में 5,000 से भी ज़्यादा स्कूल हैं और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इन सारे सरकारी स्कूलों में हम लोग एक बच्चों के लिए मेडिटेशन प्रोग्राम करेंगे जिससे वो स्ट्रेस फ्री होंगे और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारा सरकार की तरफ से हमें अप्रूवल मिला है और हमें ये उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को कवर करना है और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में हमने करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने कवर किया है। मलपुरा स्थित किशोर संप्रेक्षण गृह से सहज योग का शुरू हुआ सिलसिला लगातार 3 दिन तक सरकारी स्कूलों में जारी रहा। जनपद के लगभग 1.25 लाख बच्चों को सहज योग कराकर आत्म शांति की अनुभूति सामूहिक रूप से कराई गई। आत्म साक्षात्कार से बच्चों में सकारात्मक बदलाव देखा गया। बच्चों ने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे संतुलित और तनाव मुक्त रहा जा सकता है। सहज योग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ डेली करूँगी और मैं जो पढ़ने में मेरा मन नहीं था वो भी हो गया आज पूरा और मैं डेली करूँगी, इसका धन्यवाद। सहज योग का जो कार्यक्रम किया गया इसकी मुझे आसानी थी, इतना अच्छा था लगा ये कि जितनी मैं सोच नहीं रही थी कि शायद इतना अच्छा होगा। और हमारे बच्चों ने बड़ी शांति से, बड़े प्यार से, बड़े मन से इसे सीखा, समझा और आगे भी हम इसे भविष्य में डेली अपने स्कूल की दिनचर्या में लागू करेंगे। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपका सेंटर पासिंग में, जैसा कि आपने बताया है, तो वहाँ हम आपसे संपर्क करेंगे। शिक्षक प्रीति शुक्ला ने बताया कि सहज योग से आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही सहज योग से बच्चों के मन को केंद्रित किया जा सकता है। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।